चले बढ़ते हैं आगे। अरुणाचल प्रदेश में लगातार कई दिनों से हो रही बरसात के कारण पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात और बिगड़ गए हैं। बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और बाढ़ से जंगली जानवर भी खासे प्रभावित हो रहे हैं। असम के डिब्रूगढ़ में लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। तो असम में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। भारी बारिश ने पिछले चार दिनों से लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। असम में 27 लोग मारे जा चुके हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी पानी घुस गया है, जिससे वहां के जानवर जान बचाकर भाग रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार असम में करीब 1100 गाँव पानी में डूबे हैं। 181 राहत शिविरों में 18,000 लोगों ने शरण ली हुई है और 41,000 हेक्टेयर की खेती तबाह हो चुकी है। 2 लाख मवेशियों के साथ बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन पर भी खासा असर पड़ा है। तो काजीरंगा पार्क में भी बाढ़ का पानी घुस गया है और यहां पर बाढ़ से 5 लाख जानवर प्रभावित बताए जा रहे हैं। लोगों के साथ साथ यहां पर जानवर भी खासे इस बाढ़ की वजह से परेशान हो रहे हैं। अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है और काजीरंगा पार्क में पानी घुसने की वजह से भी काफ़ी परेशानियां वहां पर हो रही हैं और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो जानवर फंसे हुए हैं, उन्हें किसी तरह से भी बचाया जा सके। ना ज़्यादा रिलीफ कैंप में नहीं है, अभी पानी बह रहा है तो हमारे सीएम ने पूरा ये सब हमारे मिनिस्टर को ऑर्डर दिया है कि हर हर डिस्ट्रिक्ट में जाके वो जितना यहाँ पे रिलीफ कैंप है वहाँ पे जाने के लिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करके मदद करने के लिए। There is water under the camp. Actually, we are having the tongues, so this water is not coming up to the inside the camp. But the groundwater of this camp is already inundated. As a precautionary measure, we have already given country boats to all the camps, and there are speed boats. You have already seen there are speed boats, there are bhutbhutis, there are floating camps. As a precautionary measure, we have already alerted them so that, and in case of any eventuality, they take. Every precaution to detect the carcass, to collect the rhino horn in case of any natural death, and in case of recovery of the deer, etc., we have to send it to the rescue center. We are having a rescue center nearby. We are already well equipped and we are all prepared now.